हेलो एवरीवन वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो मैं हूं नीरज कुमार कैथल और आज के वीडियो में हम बात करेंगे ईईजी प्रोसीजर के बारे में ईईजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो लेट्स बिगिन द वीडियो इस वीडियो में हम इन सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे सबसे पहले जानेंगे ई क्या है इसके बारे में उसके बाद ईईजी का पर्पस क्या है इलेक्ट्रो इंसिफेलोग्राफी क्यों की जाती है क्लाइंट प्रिपरेशन बिफोर प्रोसीजर ईईजी करने से पहले क्लाइंट को किस प्रकार तैयार किया जाता है प्रिपेयर किया जाता है नेक्स्ट आएगा पोस्ट प्रोसीजर इंटरवेंशंस इलेक्ट्रो इनसीफेलोग्राफी होने के बाद क्लाइंट को किस प्रकार से देखभाल किया जाता है गाइडेंस दी जाती है और इन द लास्ट ई से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानेंगे इलेक्ट्रो इंसिफेलोग्राफी ई ई जी इज़ अ ग्राफिक रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन यूजिंग स्मॉल इलेक्ट्रोड्स अटैच टू द स्कैल्प आप सभी ने ई या ई के बारे में तो सुना ही होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ई प्रोसीजर के द्वारा हम हर्ट की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को नोट करते हैं और पता लगाते हैं कि हर्ट में कोई एबनॉर्मलिटी कोई डिजीज़ तो नहीं इसी प्रकार से ब्रेन में कोई एबनॉर्मलिटी या कोई डिज़ीज़ तो नहीं इस चीज़ का पता लगाने के लिए डॉक्टर द्वारा इलेक्ट्रो प्रोसीजर की हेल्प ली जाती है इस प्रोसीजर में इलेक्ट्रोड्स को हम ब्रेन पर ब्रेन स्कैल्प पर अलग अलग जगह प्लेस करते हैं और ब्रेन से निकलने वाली जो वेव्स होती हैं उन वेव्स को रिकॉर्ड करते हैं द एक्टिविटी शोज़ अप एज़ वेवी लाइन्स ऑन ई ई जी रिकॉर्डिंग ई जी प्रोसीजर में जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं उनमें जो डाटा होता है वो वेवी फॉर्म्स में होता है वेव मोशन में होता है आइए जानते हैं किन डिजीज़ कंडीशंस में हम ई जी करवा सकते हैं या डॉक्टर द्वारा ईईजी करवाने की सलाह दी जा सकती है ईईजी ई इज़ यूज टू डायग्नोस ब्रेन डिसऑर्डर्स बाय डिटेक्टिंग चेंजेस इन ब्रेन एक्टिविटी ब्रेन से संबंधित जितने भी रोग हैं उनका पता लगाने के लिए ईईजी का उपयोग मुख्यतः किया जा सकता है ऐसे सभी रोग जिसमें ब्रेन की एक्टिविटी अल्टर्ड होती है बदल जाती है उन सभी की डायग्नोसिस के लिए इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राफी उपयोगी है कुछ रोग जिन में EEG कराना आवश्यक है एपिलेप्सी और सीज़र एपिलैप्सी और सीजर्स के लिए ईईजी मुख्य रूप से यूज़ की जाती है इसके अलावा ब्रेन डैमेज ब्रेन ट्यूमर ब्रेन डिसफंक्शन और समटाइम्स आल्सो यूज्ड टू कंफर्म ब्रेन डेथ कई बार ब्रेन डेथ को कंफर्म करने के लिए भी इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राम का उपयोग किया जाता है ये सभी इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं जिसमें हम ईईजी यूज़ कर सकते हैं क्लाइंट प्रिपरेशन बिफोर प्रोसीजर ईईजी प्रोसीजर के पहले क्लाइंट को निम्न प्रकार से तैयार करना चाहिए एक्सप्लेन पर्पस एंड प्रोसीजर टू द क्लाइंट सबसे पहले जिस क्लाइंट को हम ई करवाने जा रहे हैं उसे ई क्या है ये प्रोसेस कैसे होता है और ये क्यों करवाया जा रहा है इसकी पूरी जानकारी देना आवश्यक है सेफ़ एंड पेनलेस पेशेंट को अक्सर ये भ्रम हो जाता है कि कहीं उसे ई तो नहीं दिया जाने वाला ECT का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकनवल्सिव थेरेपी मेंटल पेशेंट्स को इलेक्ट्रोकनवल्सिव थेरेपी द्वारा हल्के ब्रेन में शॉक दिए जाते हैं जो कि काफ़ी पेनफुल एक्सपीरियंस होता है कई बार EEG और ECT के बीच कन्फ्यूज़न के कारण पेशेंट घबरा जाते हैं पेशेंट को यह चीज़ कन्फर्म बतानी चाहिए कि ई जी इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राफी प्रोसीजर में किसी भी प्रकार का शॉक नहीं दिया जाएगा यह एक सेफ और पेनलेस प्रोसीजर है और इस प्रोसीजर को ट्रेन परसन्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है वॉश क्लाइंट हेयर्स एंड देन डू नॉट यूज़ एनीथिंग ओवर हेयर्स लाइक हेयर ऑयल कंडीशनर एक्सेट्रा बिकॉज ऑयल कैन अल्टर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ई प्रोसीजर से पहले हमें क्लाइंट के बालों को दुलवाना चाहिए बाल धुलाने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का हेयर ऑयल कंडीशनर या कोई भी चीज़ नहीं लगानी चाहिए ऐसा माना जाता है हेयर ऑयल या कोई भी ऐसी चीज़ ई प्रोसीजर में रुकावट डाल सकती है ब्रेन से जनरेट होने वाले इलेक्ट्रिक सिंबल्स को सिग्नल्स को मशीन द्वारा कैच करने में प्रॉब्लम आती है ईईजी प्रोसीजर से पहले क्लाइंट के बालों का सूख जाना आवश्यक है इम्पॉर्टेंट डू नॉट टेक स्टिमुलेंट्स लाइक टी कैफीन बेवरेजेस, कॉफ़ी एंटी डिप्रेसेंट ट्रैक्यूलाइजर्स एंड पॉसिबली एंटीसीजर मेडिकेशन फॉर 24 फोर टू फोर्टी एट आवर्स बिफोर द टेस्ट बिकॉज दे मे अल्टर ब्रेन एक्टिविटी मेडिकेशन विदऑल शुड बी परमिटेड बाय डॉक्टर ऐसी कोई भी चीज़ जो कि ब्रेन की एक्टिविटी को प्रभावित करे अल्टर करे बदलाव लाए उस चीज़ का पेशेंट द्वारा उपयोग नहीं करना चाहिए ईईजी प्रोसीजर से पहले चाय कॉफ़ी कैफीन बेवरेजेस आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए डॉक्टर की सलाह लेकर उन्हें इस प्रोसीजर के बारे में बताकर एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन ट्रेंक्यूलाइजर ड्रग्स और एंटीसीजर मेडिकेशन को 24 से 48 घंटे पहले लेना बंद कर देना चाहिए जब ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप डॉक्टर से दोबारा बात करके इन मेडिसिन को कंटिन्यू कर सकते हैं प्री मेडिकेट फॉर सीडेशन एज प्रस्क्राइब्ड यदि मान लीजिए किसी क्लाइंट को लगातार सीजर्स आ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा एपिलेप्सी का पेशेंट है तो उस कंडीशन में कई बार ईईजी प्रोसीजर के दौरान डॉक्टर द्वारा पेशेंट को सीडेट करने का ऑर्डर भी दिया जाता है तो इस ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए प्रोसीजर से पहले पेशेंट को सीडेशन करना चाहिए पोस्ट प्रोसीजर इंटरवेंशन ई जी इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राफी प्रोसीजर होने के बाद हमें क्लाइंट में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए वॉश क्लाइंट्स हेयर प्रोसीजर होने के बाद दोबारा फिर से क्लाइंट के बालों को धोना चाहिए मेंटेन सेफ्टी प्रिकॉशन इफ़ द क्लाइंट वॉज सीडेटेड यदि ई जी प्रोसीजर से पहले पेशेंट को सीडेट किया गया है तो ध्यान रखिए पेशेंट को सेफ्टी सेफ़ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना बहुत इम्पॉटेंट है पेशेंट को बोलें कि उसे सीडेटिव दिया गया है वो खुद से ड्राइव करके हॉस्पिटल से घर ना जाए पेशेंट को कुछ समय के लिए रेस्ट करने के लिए बोलें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स 1020 सिस्टम यूज्ड टू प्लेस इलेक्ट्रोड्स ड्यूरिंग ई इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राफी प्रोसीजर में ब्रेन स्केल पर बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स को एक निश्चित दूरी पर लगाया जाता है जिससे ब्रेन सिग्नल्स को परफेक्टली कैच किया जाए और एक वेव फॉर्म में एक ग्राफिकल चार्ट के रूप में उसे अरेंज कर कर दिया जाए इस अरेंजमेंट को इलेक्ट्रोड्स के अरेंजमेंट को टेंट सिस्टम द्वारा मैनेज किया जाता है इस इसे इंटरनेशनल टेंट ट्वेंटी सिस्टम ऑफ ई के नाम से भी जानते हैं इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राफी प्रोसीजर के दौरान चार प्रकार की ब्रेन वेव्स को रिकॉर्ड किया जाता है ये हैं अल्फा बीटा थीटा एंड डेल्टा सो एवरीवन ये था हमारा आज का वीडियो इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राफी के बारे में इस वीडियो में बताई गई सभी जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें इसी तरह के वीडियोस और देखने के लिए एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स इस वीडियो की पी फ़ाइल को आप इस वीडियो के अपलोड होने के अगले दिन हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो से डाउनलोड कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं आज का वीडियो भी हमारे व्यूवर्स की रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट पर था थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट